नमस्कार। इस वक्त मैं पुणे में एक दीघी करके एरिया है मेरे घर के पास, वहाँ पे मैगजीन चौक करके गजानन नगर एक है, वहाँ पे एक सांप को देखा गया है। तो उस वक्त हम लोग जहाँ पर सांप को देखा गया स्पॉट पर हम लोग पहुंचे, आप देख सकते हैं इनका घर है। तो घर के पास में जगह है, आपको पहले दिखाता हूँ कहाँ पे देखा गया और कौन सा सांप मिलता है। वीडियो में बने रहिए। आपने देखा था क्या? आप देख सकते हो कि इन्होंने सांप को देखा और हमको कॉल किया और ये वहीं पे खड़े हैं। इसके ऊपर जगह बना के रखी है इन्होंने, नजर बना के रखी हुई है, थोड़ी सी जगह की दिक्कत है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि जगह की काफी दिक्कत है और सांप जब डर जाता है तो उसको सेंस होता है और सेंस होने की वजह से वो क्या करता है, जितना हो सके उतना नीचे जाने की कोशिश करता है, छुपने की कोशिश करता है, क्योंकि वो इंसानों से ज्यादा डरता है। तो पहले हम देखते हैं मिलता कौन सा, उसके बाद आपको बाहर निकलकर उसके बारे में समझाएंगे थोड़ा। भागने का कोशिश कर रहा हूँ, उसको अभी जान पे आ रही है ना, तो मालूम नहीं अभी हम लोग उसको बचने आए इकड़े इकड़े। हमारा आमने सामने जो हुआ चेकर्ड कील बैग से हुआ है, इसको हम लोग दिवड़ के नाम से यहाँ पे जानते हैं, पान दिवड़ के नाम से जाना जाता है, हिरोड़ा के नाम से जाना जाता है। वाटर स्नेक है ये, इसके अंदर जहर नहीं होता, नॉन वेनमस है। थोड़ा सा उसको बाहर लाने के बाद थोड़ा सा इसको आपको डिटेल देता हूँ। तो हमारा सामना जो हुआ है चेकर्ड कील बैग के साथ हुआ है, ये वाटर स्नेक है, ये सांप जो है इसके अंदर जहर नहीं होता, ये नॉन वेनमस है, बिना जहर वाला सांप है और ये ज्यादातर जो है अपना जो जीवन जो है पानी के अंदर और पानी के आसपास गुजारता है। मेंढक और मछली जो है इसका मेन शिकार है। अगर ये बाई चांस किसी को काट भी लेता है तो उसमें डरने वाली बात नहीं है, इंसान की मौत नहीं होती। अगर इसने अगर तुमको जरा ज्यादा अगर जोरदार तरीके से काट लिया तो हमको क्या करना है कि एक टीटी का इंजेक्शन लेना है ताकि इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि इसके मुंह में काफी गंदगी और काफी बैक्टीरिया होते हैं और इसके मुंह में छोटे छोटे बहुत सारे दांत होते हैं। और ये बार जो हमको मिला ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा हल्का सा रेड कलर का है, बॉम्बे चेकर्ड है वो। ये जो चेकर्ड कील बैग की वीडियो तो मैंने काफी बार अपलोड की है, मेरी पिछली वीडियो में भी आपने देखा था, मैंने वीडियो को अपलोड किया था। लेकिन ये सांप जो है ये थोड़ा सा हल्का सा जो है रेड कलर का, जिसके अंदर शेड है, आपको पहले नजदीक से दिखाता हूँ फिर बाकी का थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ। तो उजाले में लुआ
सीधे मिल रहा है आज है तो भी जैसे बॉडी लीज और उसके अंदर टॉप रेडी है ना भाई रेड कलर है इसमें थोड़ा रेड कलर है वो शेपुट कटे यार बोले फिर से हमारे पास बता दो इधर ही रुक गया तो इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी दे देता हूँ। ये जो सांप है ये जब घबरा जाता है ये घबराने के बाद क्या करता है अपने आप को थोड़ा सा चपटा करके और अपने गर्दन को काफी ऊपर तक उठा देता है जिसकी वजह से लोग इसको जो है कोबरा यानी नाग समझते हैं और इसको मार देते हैं। सभी सांपों में बहुत ज्यादा फुर्तीला काफी गुस्से वाला और फिलहाल तो मतलब ये पूरा अभी तैयार नहीं है यानी ये फिलहाल छोटा है अभी ये बड़ा नहीं है। जब इसको कोई पकड़ने की कोशिश करता है तो ये अपने अपना ज्यादातर हिस्सा जो है ऊपर उठाकर जोर से बाइट लेने की कोशिश करता है। आप देख सकते हो किस तरह इसने बाइट लिया, नजदीक से दिखाता पूरी ताकत इसने बाइट ली है और एक बार ये उंगली को पकड़ ले तो ये आसानी से छोड़ता नहीं है। देखिए देखिए अगर ग्लव्स नहीं पहने होते तो अभी हाथ का बुरा हाल हो जाता था। आप देख सकते हो देखिए ये छोड़ने को तैयार नहीं है, ये बिल्कुल छोड़ेगा नहीं। इसका गुस्सा इतना है कि एक बार जब किसी को दबोच लेता है तो ये बिल्कुल छोड़ता नहीं है। आप कितनी भी कोशिश करो उसके दांत टूट जाएंगे लेकिन ये छोड़ेगा नहीं। तो ये बताने का मतलब ये है कि हमारे जो नए सर्प मित्र है तो उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है और वो क्या करते हैं इसको डायरेक्ट पकड़ने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर से ये उसको जोरदार तरीके से बाइट ले लेता है। और वो क्या करते हैं जब ये जब जोरदार बाइट लेता है जब इसको कोई खींचने की कोशिश करता है तो ये क्या करता है अपने पकड़ को और कसता है जिसकी वजह से क्या होता है ज्यादा जोर से खींचने से इसके जो दांत है ये टूटकर हमारे उंगली के अंदर रह जाते हैं और इसकी वजह से गैंग्रेन के भी चांस होते हैं और इन्फेक्शन के चांस होते हैं और अगर आदमी कमजोर दिल का है तो हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। तो यह बात होती है तो ये आपको दिखाना जरूरी है। फिर से आपको बता देता हूँ ये है चेकर्ड कीलबैक वाटर स्नेक है, ये पानी वाला सांप है। इसके अंदर जहर बिल्कुल नहीं होता लेकिन ये काटता काफी जोरदार है, जितनी देर हाथ में रहेगा उतनी बार ये बार बार लगातार काटता रहता है। एक बार फिर से आपको मैं नजदीक से दिखा देता हूँ जूम करके। देख सकते हो थोड़ा सा इसका रेड कलर है, बीच बीच में रेड शेड है इसका, ये देखिए ऐसा रेड शेड वाले बहुत ही कम जो है इंसानों के साथ आमना सामना होता है। और इसके बारे में थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन हमारे जो नए सर्प मित्र हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। जब आप इसको रेस्क्यू करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है एक ग्लव्स का इस्तेमाल करना है। लेकिन ये देखिए आपने फिर देखिए उसने फिर पकड़ने की कोशिश की कि कितने जोर से काटा इसने, तो आपको ग्लव्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है भले वो। और एक बात आपको ध्यान में रखना जब आप ग्लव्स हाथ में डालोगे तो इससे आपको वेनोमस सांप को नहीं पकड़ना क्योंकि वेनोमस सांप को आप जब पकड़ोगे तो उसके फैंग्स जो है आपकी बॉडी तक पहुंच जाएंगे और आपकी मौत हो सकती है अगर इलाज नहीं किया तो। ग्लव्स पहनकर जितने भी नॉन वेनोमस सांप है उनको आपको रेस्क्यू करना है, खासकर चेकर्ड कीलबैक वुल्फ स्नेक ऐसे बहुत सारे सांप है जिनकी जो फितरत है काटना, ये बार बार लगातार काटते हैं और काफी बेरहमी से काटते हैं। और दूसरी बात जो नए सर्प मित्र उनको ये बता देता हूँ जब आप इसको रेस्क्यू करने जाते हो तो इसको एकदम पूंछ के पिछले हिस्से से नहीं पकड़ना क्योंकि ये एकमात्र एक ऐसा सांप है जब आप इसको एकदम आखिरी से पकड़ते हो तो ये क्या करता है अपने आप को जोर से घुमाकर अपनी पूंछ को तोड़ देता है और चकमा देकर इंसान के हाथ से निकल जाता है। तो खाली ये एक सांप है जो अपनी पूंछ को जल्दी से तोड़ देता है, इसकी पूंछ काफी नाजुक होती है पिछला हिस्सा। फिलहाल हमने जो इसको पकड़ा इसके भी पीछे का हिस्सा नहीं है, थोड़ा सा शायद टूट चुका है किसी वजह से। उम्मीद करता हूँ मेरी जो जानकारी आपको पसंद आई हो और इसी तरह नजर बना के रखें। सर आपका नाम क्या, एक मिनट आप बीच में आइए। सर आपका नाम बोलिए। जावेद। ये जावेद भाई है, इन्होंने इसके ऊपर नजर बना के रखी जिसकी वजह से हमको वो आसानी से मिल गया और इससे जो है सांप भी सेफ और इंसान भी सेफ। अब हम लोग क्या करेंगे इसको जाते जाते रस्ते में नदी के किनारे पे सेफ जगह पे इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये पानी वाला सांप है। जो सांप होता है उसको उसी के एरिया में उसी के अनुकूल जो है वातावरण में उसको छोड़ना पड़ता है। तो जावेद भाई का फिर से एक बार मैं जो शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने नजर बना के रखी काफी देर तक वहां से हिले नहीं और एक बेजुबान प्राणी की जो है जान बचाने में हमारी मदद की। तो इसी तरह वीडियो में बने रहिए और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे हम फिर किसी अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर बार की तरह जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय पुणे, जय महाराष्ट्र। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सतर्क रहो, हमेशा चौकन्ने रहो। धन्यवाद।